अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज बात करनी है चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक की जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन मेन। और इसके अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करना है होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। देखिए, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बुक के चैप्टर पेज नंबर 13 पे। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, यानी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जब भी कोई काम होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप जब लेज लेते हैं मार्केट से, कोई भी पैकेट चिप्स का लेते हैं, तो अंदर जो चिप्स होते हैं वो आपके खाने के होते हैं, वो आपकी ज़रूरत के होते हैं, लेकिन जो रैपर होता है वो बेसिकली एक वेस्ट है, तो उसे आप अपने साथ लेकर नहीं घूमते बल्कि आप उससे जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बॉडी के अंदर जो भी काम होता है उसके नतीजे में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा ज़रूर बनता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा बॉडी के अंदर एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, इसके अलावा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, अगर वो बॉडी के अंदर रहें तो हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने का नाम जो है वो एक्सक्रीशन होता है। ये एक्सक्रीशन की बेसिक डेफिनेशन है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों के अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हमें पता है किडनीज़ का होता है, किडनीज़ आर प्राइमरीली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसके बाद आता है लिवर, और बहुत थोड़ा जो पार्ट है वो स्किन का है। तो स्किन का मैं सिर्फ यहीं पर बता दूंगा, इसके बाद हमने लिवर को डिटेल में स्टडी करना है और किडनी जो है वो फिर इसके बाद और डिटेल में आएगा। तो किडनीज़ का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एलिमिनेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं वाटर और सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट और सॉल्ट्स का या सॉल्यूट का अमाउंट मेंटेन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। तो किडनीज सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, किडनीज जो है वो बॉडी के अंदर पानी का और सॉल्ट्स का अमाउंट भी मेंटेन करती हैं और साथ साथ वेस्ट को जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करते हैं, तो ये डुअल ऑर्गन है। लिवर जो है ये एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अलावा बाइल के पिगमेंट, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। स्किन को हम यहीं पर निपटा देते हैं। देखिए, स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। स्किन के थ्रू जब स्वेटिंग होती है, जिसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है परस्पायरेशन, तो इस स्वेटिंग के दौरान, इस परस्पायरेशन के दौरान एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकल जाता है और उस एक्स्ट्रा वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। स्किन का बस इतना ही रोल है एक्सक्रीशन के अंदर, इससे ज़्यादा स्किन की कोई इन्वॉल्वमेंट एक्सक्रीशन के अंदर नहीं है। लिवर जो है, वैसे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि लिवर को हम मेटाबॉलिक सेंटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो इसके वो फंक्शन डिस्कस करेंगे जो होम्योस्टैटिक हैं। होम्योस्टैटिक का मतलब होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज ना आने देना। तो इस चेंज ना आने देने के लिए लिवर जो जो काम करता है हमने वो डिस्कस करने हैं। थोड़ी सी तमहीद बांध लेते हैं लिवर के ऊपर। लिवर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक लार्ज स्ट्रक्चर है। लिवर को तो हम कहते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है, यानी ग्लैंड के तौर पर बिहेव करता है और डायफ्राम के नीचे होता है। अगर मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, तो ये हमारे पास राइट साइड के ऊपर, ये अगर इंसान है, ठीक है, ये अगर इंसान है, अल्लाह कैसा इंसान है, ठीक है, तो ये इसका हाथ है और ये यहाँ पे पैर है, तो ये राइट साइड है इंसान का, ठीक है, ये राइट हैंड है, ये राइट साइड है इंसान का, और यहाँ पर जो है ये लिवर मौजूद होता है, और ये मौजूद होता है एक मसल के नीचे जिसको आप कहते हैं डायफ्राम, जो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लिवर मौजूद है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होती है, बीच में यहाँ पे स्टमक मौजूद होता है और इस तरह का एक ऑर्गन की पेनक्रियाज मौजूद होता है। लिवर के नीचे वाली सरफेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है, और उस गॉल ब्लैडर से एक अदद पाइप आ रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ी सी एनाटमी है। तो लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, राइट साइड पे मौजूद है, रेडिश ब्राउन है, और इसके साथ ये गॉल ब्लैडर है जिसका काम होता है बाइल को स्टोर करना, और ये खुद नहीं बनाता बाइल बल्कि लिवर बनाकर देता है बाइल, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी। अच्छा भाई, बाइल जो है वो आगे जाता है ड्यूडेनम के अंदर और ये हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर कर लेंगे अभी। फिलहाल हमने बात करनी है लिवर के मेन होम्योस्टैटिक फंक्शंस पे, वो कौन से फंक्शंस हैं जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और ये लिवर करता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स।
देखिए भाई, लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करने में। आप जब भी खाना खाते हैं तो आपका जो खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है। तो अगर आपने कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट खाया, फॉर एग्जांपल आपने प्लांट्स खाए हैं, तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, तो या अगर आपने एनिमल का मांस खाया है, मीट खाया है, तो उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है। तो इन दोनों को तोड़ा जाता है फाइनली ग्लूकोज के अंदर। अब जब ये ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर आता है तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। कैसे स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को जमा करके बहुत सारे ग्लूकोज को मिलाकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं, उस चेन को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये काम करवाने की जिम्मेदारी एक अदद हार्मोन की होती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। अब ये जो ग्लाइकोजन है ना, इसको बॉडी स्टोर कर लेती है। दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, दो मेन जगहें हैं, एक लिवर है, एक मसल है। इन दो जगहों के ऊपर ये ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाता है। अब जब आप खाना नहीं खा रहे तब भी आपको ग्लूकोज चाहिए, तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के वापस बनाया जाता है ग्लूकोज। और ये काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन पेनक्रियास से आते हैं। तो लिवर जो है वो कंट्रोल करता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे कि ग्लूकोज को जमा करके ग्लाइकोजन बनाता है, और जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ब्लड के अंदर ग्लूकोज शामिल करता रहता है ताकि कमी ना हो। इन केस अगर किसी के पास ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, उसे इस लिवर ने जमा कर लिया। अब आपने बहुत वक्त तक खाना नहीं खाया, तो जितना भी ग्लाइकोजन था, जमा हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेगा लिवर, क्या करता है, जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला जो काम था ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला, हमने बात की थी कि ग्लूकोज है, ठीक है, इससे बनाया जाता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को वापस तोड़ के बनाया जाता है ग्लूकोज। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन का तोड़ना, ग्लाइकोजन का लाइसिस कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो लिवर एक तो करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया है तो अमाइनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये स्टेप कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और नियो का मतलब है किसी नई चीज़ से। तो ग्लूकोज बन रहा है ग्लाइकोजन से नहीं बल्कि अमाइनो एसिड से, तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनना किसी नई चीज़ से। तो ये दोनों काम जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं, और ये लिवर जो है परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा लिपिड होता है, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया तो मैंने बताया वो डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड के अंदर आएगा, तो ब्लड के अंदर अभी बहुत ज़्यादा लिपिड है, तो लिवर क्या करता है, इस एक्स्ट्रा लिपिड को जो है वो जमा करके रख लेता है और स्टोर कर लेता है एज फैट। और जैसे जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ज़रूरत होती है, लिवर जो है इन्हें सप्लाई करता है, थोड़ा थोड़ा लिपिड जो है वो भेजता रहता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। इसके अलावा लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सिंथेसाइज कर सकता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए, अमाइनो एसिड की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। क्या फ़र्क क्या होता है इसके अंदर, देखिए एसेंशियल वो हैं जो कि आपकी डाइट में होना लाजमी है, यानी आपके खाने के अंदर होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, तो ये लाजिम है कि आप खाने के अंदर इन्हें हासिल करें। ये 10 के करीब अमाइनो एसिड हैं, ये एसेंशियल हैं। सिमिलरली 10 के करीब अमाइनो एसिड हैं कि जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों है, ये आपके खाने में ना भी हो, यानी अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ये अमाइनो एसिड नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर लिवर जो है वो इन्हें खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, तो लिवर जो है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है। सिमिलरली हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनके नाम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रॉम्बिन है। ये चारों प्रोटीन्स जो हैं, ये हैं तो ब्लड की प्रोटीन्स, प्लाज्मा की प्रोटीन, लेकिन ये बनाकर डालता कौन है प्लाज्मा के अंदर, लिवर डालता है। तो इन केस अगर लिवर की बीमारी हो जाए तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये ब्लड के अंदर नहीं आ पाएंगी, और जब ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है, जो प्लाज्मा है, वो लीक करने लगता है,
और लीक करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स सूजने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है। इसके लिए आपने वर्ड पढ़ा होगा एडिमा। फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर में एक वर्ड है एडिमा। एडिमा कहते हैं स्वेलिंग को। उसका एक रीज़न होता है जब ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो प्लाज्मा लीक करने लगता है, तो ये लिवर की बीमारी के अंदर भी देखा जाता है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। लिवर का काम है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। अब सबसे पहले तो डीअमाइनेशन समझें। देखिए ये हमारे पास अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं बनाकर दिखाता हूँ इसे। अमाइनो एसिड के अंदर सेंटर में कार्बन होता है, एक तरफ ये वाला ग्रुप होता है, ये आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिडिक ग्रुप है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तरफ इसके होता है NH2, NH2 होता है अमाइनो ग्रुप। एक तरफ इसके होता है R, R जो है ये साइड चेन कहलाता है। R जो है ये बिल्कुल मैथ में जिस तरह हम X पढ़ते हैं ना, X की जगह कोई ना कोई चीज़ आती है, तो R की जगह कोई ना कोई ग्रुप आएगा या एक एटम आएगा या मॉलिक्यूल आएगा। और यही वो एरिया है जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट नज़र आता है। और एक तरफ हमारे पास मौजूद होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड कहते ही क्यों है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी वजह से इसका नाम अमाइनो एसिड है। तो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं ना उनके अंदर ये वाला पार्ट सेम होता है, सिर्फ ये वाला एरिया डिफरेंट होता है। खैर, तो डीअमाइनेशन के अंदर करते क्या है, अमाइनो ग्रुप हटा देते हैं। तो लिवर क्या करेगा, ये वाला ग्रुप हटाएगा और साथ साथ ये वाला हाइड्रोजन भी हटाएगा। अब आप गौर करें, NH2 और एक और H ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अमोनिया। तो ये पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डीअमाइनेशन। अब यहाँ का बॉन्ड टूट गया और यहाँ का बॉन्ड भी टूट गया, तो अब ये कार्बन दो बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आता है कहीं से और ऑक्सीजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। तो ये देखें, अगर आप, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें से ये अमाइनो ग्रुप गया और ये हाइड्रोजन गया और ये बना दिया इसने अमोनिया, और ये जो दो बॉन्ड्स बने थे यहाँ पर आकर ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया, ये स्टेप कहलाता है डीअमाइनेशन। अब डीअमाइनेशन के बाद ये जो बचा कुचा अमाइनो एसिड का मटेरियल बच गया, अमोनिया अलग हो गया और ये जितना भी मटेरियल बच गया इसको सप्लाई किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है तो अमाइनो एसिड से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। तो ये जो बचा कुचा है इसको आगे सप्लाई किया जाएगा और इससे ग्लूकोज बनाया जाएगा, जिस स्टेप को हमने नाम दिया था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, अब इस अमोनिया का क्या किया जाएगा, तो देखें अमोनिया होता है हमारे पास टॉक्सिक और इस अमोनिया को हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है। तो अमोनिया जो है ना ये सेल को क्रॉस करता जाएगा और ये चला जाएगा ब्रेन के अंदर और ब्रेन के अंदर जाके ये ब्रेन को डैमेज करता है। तो जिन लोगों के अंदर भी लिवर की बीमारी होती है, क्योंकि लिवर का काम होता है अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया के अंदर, ये हमारे पास एक साइकिल होती है लिवर के अंदर जिसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। इसके अंदर अमोनिया जाता है और इसमें से यूरिया बाहर आता है। तो अगर लिवर डैमेज हो, किसी का लिवर सही से काम ना कर रहा हो, तो वो अमोनिया को कन्वर्ट नहीं कर पाता यूरिया के अंदर और ये अमोनिया उसके ब्रेन को जाकर डैमेज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रॉपरली उसका ब्रेन वर्क नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास यहाँ बनी हुई है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के अंदर यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये एंटर हो रहा है अमोनिया, ठीक है, और यहाँ से ये ख़त्म हो रही है, ये निकल रही है चीज़ जिसे आप कहते हैं यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए सेल को अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सेल पागल क्यों है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये बहुत लाजिम है क्योंकि अमोनिया यूरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसे बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। तो आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो तमाम एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया निकालते हैं, जबकि वो तमाम एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया नहीं निकालते, वो इस अमोनिया को या तो कन्वर्ट करते हैं यूरिया में या वो कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड के अंदर। तो अब इस ऑर्निथिन साइकिल में बहुत आसान है, यहां से अमोनिया एंटर हुआ और एक अदद मॉलिक्यूल एंटर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, इन दोनों को रिसीव करने के लिए आता है एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी मौजूद होता है लिवर में, इसका नाम है ऑर्निथिन। ये स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट हो रही है साइकिल। तो ऑर्निथिन आया, ऑर्निथिन ने अमोनिया को पकड़ा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, इन दोनों को जब ये मिला रहा था तो एक दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए और ये वाटर बन गया। तो अमोनिया ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है और वाटर निकल रहा है। इस पूरे रिएक्शन के बाद
ये ऑर्निथिन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन के अंदर। बस ये नाम आपने याद रखना, इनका स्ट्रक्चर नहीं देखना। अब सिट्रोलिन के अंदर क्या होता है, एक और अमोनिया आता है और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये सिट्रोलिन सिट्रोलिन नहीं रहता, ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो आर्जिनिन टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक मॉलिक्यूल उसमें से यूरिया होता है और एक मॉलिक्यूल वही होता है जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, जिसे आप कहते हैं ऑर्निथिन। तो इस तरह से ये ऑर्निथिन दोबारा रेडी हो जाता है किसको, रिसीव करने के लिए अमोनिया को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, फिर वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो ऑर्निथिन दोबारा कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। इस तरह से ये साइकिल घूमती रहती है, अमोनिया एंटर होता रहता है और यूरिया बाहर निकलता रहता है। ये जो यूरिया लेवर के अंदर बनता है ये ब्लड में शामिल हो जाता है, ब्लड में ब्लड जो है वो इस यूरिया को लेकर जाता है किडनीज के पास, और फिर किडनीज जो है वो इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से लिवर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, वो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। इन केस अगर लिवर डैमेज हो जाता है तो ये काम नहीं हो पाता और ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन होती है बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं लिवर और क्या कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, देखिए बाइल जो है इसके बारे में आपने पढ़ा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि येलोइश ग्रीन, इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है, क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। एक ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, यानी इसकी जो पीएच होती है वो बेसिक होती है, और इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स जो है ना, इन्हीं की वजह से ये येलोइश ग्रीन होता है। बाइल पिगमेंट्स के नाम क्या हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, कहाँ से आ रहे हैं ये। देखिए आपने पढ़ा है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, इसकी जो जिंदगी होती है वो 120 दिन होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा। 120 दिन के बाद दो ऑर्गन्स हैं, एक का नाम लिवर है, एक का नाम स्प्लीन है, वो इन आरबीसीज को पकड़ते हैं और खोल देते हैं। जब इन आरबीसीज को खोला जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज़ होती है भाई, रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन होता है। जब इस हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है तो दो चीज़ें मिलती हैं आपको, एक आपको मिलता है हीम और एक आपको मिलता है ग्लोबिन। अब ग्लोबिन जो है ना ये प्रोटीन है, प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो आपको मिलते हैं अमाइनो एसिड। बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करती है और कोई दूसरी प्रोटीन बना देती है, यानी इन्हें रीयूज कर लिया जाता है। जब आप हीम को तोड़ते हैं, बॉडी जब हीम को तोड़ती है तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है रिंग, ठीक है, इसका नाम आपकी बुक में नहीं है, इसे कहते हैं प्रोटोपोरफाइरिन, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आयरन। हीम के अंदर आयरन होता है, आयरन को दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है जब दूसरा हीमोग्लोबिन बनाएंगे। अब ये जो रिंग है जिसका नाम प्रोटोपोरफाइरिन है, इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है बिलीवर्डिन, और कुछ बिलीवर्डिन जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है एक और मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन, ठीक है, इसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। ये जो बिलीवर्डिन होता है ये होता है ग्रीन, और ये जो बिलीरुबिन होता है ये होता है येलो। इन दोनों को जब ये लिवर बना लेता है, अगर लिवर बनाएगा, लिवर में तोड़ा गया है रेड ब्लड सेल को, तो लिवर ये डायरेक्ट बाइल में डाल देगा। अगर स्प्लीन ने तोड़ा है तो स्प्लीन क्या करेगा, इन दोनों को ब्लड में शामिल कर देगा, ब्लड इन्हें लेकर जाएगा लिवर के पास, और लिवर क्या करेगा, इनको बाइल में डालेगा। इन्हीं दोनों की वजह से, बिलीवर्डिन ग्रीन है, बिलीरुबिन येलो है, इन्हीं दोनों की वजह से जो बाइल का कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। और आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के अंदर जो जॉन्डिस होता है जिसमें बॉडी जो है वो येलोइश कलर की हो जाती है, तो वो जॉन्डिस भी किसकी वजह से होता है, जब लिवर डैमेज होता है तो बिलीरुबिन जो है ना ये बजाय बाइल में जाने के बॉडी में जमा होने लगता है। तो जब बिलीरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, बिलीरुबिन का येलो कलर है, तो बॉडी येलोइश नज़र आने लगती है। तो बाइल के अंदर ये बाइल पिगमेंट्स हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये वेस्ट होते हैं, इनको बॉडी से निकालना होता है। लिवर, आप मैंने बताया था लिवर जो है वो एक्सक्रीशन का रोल परफॉर्म कर रहा है, ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं इन्हें एक्सक्रीट कर रहा है बाइल में डाल के, क्योंकि लिवर बाइल जो है वो लिवर बनाता है। दूसरी चीज़ जो बाइल के अंदर होती है वो होते हैं सॉल्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो नाम लिखे हुए हैं, सोडियम ग्लाइकोकॉलेट और सोडियम टॉरोकॉलेट। आपने पढ़ा होगा बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, वो है सॉल्यूबलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, देखें सपोज कर लें ये आपके पास लिपिड है, ये एक बड़ी चादर की शक्ल में है, ठीक है, जो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है ना वो इस बड़ी चादर पे वर्क नहीं कर सकता, वो इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे वर्क कर सकता है। तो कौन है जो इस बड़ी चादर को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में तोड़ेगा, वो है बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन, या इसी को हम नाम देते हैं सॉल्यूबलाइजेशन। अब जो है इनके ऊपर जो लाइपेज है, जो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है, वो वर्क कर सकता है।
इन केस अगर ये वाला काम ना हो, बाइल सॉल्ट्स ना हो, तो लिपिड इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे जादरों में नहीं कन्वर्ट होगा, और लाइपेज इनके ऊपर वर्क नहीं कर सकेगा, तो आपकी बॉडी जो है वो लिपिड डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी, लिपिड एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। ओके, तो वो क्या चीज़ है बाइल के अंदर जो ये काम करती है, तो मैंने बता दिया वो बाइल सॉल्ट्स होता है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स हैं जो रेड ब्लड सेल के टूटने से आ रहे हैं, दूसरा बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं जो कि इमल्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तीसरा बाइल के अंदर होता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल। बॉडी के पास जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो बाइल के अंदर डाल दिया जाता है ताकि बॉडी से निकल जाए, और ये कोलेस्ट्रॉल अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो ये जमा होकर स्टोन्स बना देता है। सिमिलरली अगर ये बिलिरुबिन हद से ज़्यादा हो जाए, बाइल के अंदर अगर बिलिरुबिन हद से ज़्यादा हो जाए तो इससे भी पथरी हो जाती है। पित्ते में पथरी का अगर आपने नाम सुना हो तो वो बिलिरुबिन के स्टोन भी हो सकते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल के भी हो सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और म्यूकस होता है। तो बाइल बनाता कौन है? लिवर, और लिवर बनाकर दे देता है किसे? गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करता है। तो ये फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर है, और लिवर के नीचे वाली सरफेस के ऊपर आपको इस तरह का बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे आप कहते हैं बाइल, और इससे ये एक अदर डक्ट आ रही होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इसके थ्रू बाइल जो है वो आगे जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए या लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे बन जाएंगे स्टोन। जब स्टोन बन जाएंगे तो वो स्टोन, सपोज़ ये एक स्टोन है, ये स्टोन आगे जाकर यहाँ पे फंस जाएगा। जब ये स्टोन यहाँ पर जाके फंस जाएगा तो जितना भी बाइल यहाँ पर है वो आगे नहीं आ सकेगा। आपको पता है बाइल जो है वो आगे आकर खुलता है ड्यूडेनम के अंदर। हमारे पास अगर यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक से जो पाइप निकलता है जिसे आप कहते हैं ड्यूडेनम, तो ये जो डक्ट है ये यहाँ पर आके ड्यूडेनम में खुलती है, और ये बाइल यहाँ पर आकर फैट्स को सॉल्युबलाइज करता है, लिपिड को सॉल्युबलाइज करता है। तो अगर यहाँ पर स्टोन बन गया तो क्या होगा? बाइल आगे नहीं जा सकेगा। जब बाइल आगे नहीं जा सकेगा तो आप लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे और लिपिड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर ये स्टोन यहाँ पर फंस गया है तो ये बाइल आगे नहीं जा पा रहा। जब बाइल आगे नहीं जा पा रहा तो बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो ये बिलिरुबिन शामिल होने लगेगा किसमें? ब्लड के अंदर। जब ये बिलिरुबिन ब्लड के अंदर शामिल होने लगेगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी येलोइश नजर आने लगेगी। तो जिन लोगों के अंदर भी पित्त में पथरी होती है, वो पत्थर जाके फंस जाए तो उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, वो येलोइश नजर आने लगता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास लिवर का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। देखें, डिटॉक्सिफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल में या हार्मलेस के अंदर कन्वर्ट करना। कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, उसे बॉडी कन्वर्ट करे ऐसे सब्सटेंस के अंदर जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो लिवर जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि ये बहुत सारी ड्रग्स, यानी जो हम मेडिसिन लेते हैं, उनको मॉडिफाई करता है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें लिवर एक्टिवेट करता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें लिवर डीएक्टिवेट करता है, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिन्हें ये लिवर कन्वर्ट करता है हार्मलेस के अंदर। इवन आपका जो अल्कोहल है, बहुत सारे लोग जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसका हाफ अमाउंट जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाता है। लिवर और किडनी जो है ये काम करते हैं, अदरवाइज तो बहुत जल्दी लिवर या किडनी जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो लिवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल, बॉडी के अंदर एक अदद प्रोडक्ट बनता है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, जिसका नाम है हाइड्रोजन पारोक्साइड H2O2। तो लिवर के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटलेज। ये कैटलेज क्या करता है? इस H2O2 को तोड़ देता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। और आपको पता है ये दोनों जो है ये हार्मलेस है, वाटर भी हार्मलेस है और ऑक्सीजन भी हार्मलेस है, जबकि ये हार्मफुल था। तो हार्मफुल को हार्मलेस में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन। ये एक और फंक्शन है लिवर का। नेक्स्ट हमारे पास लिवर का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लिपिड की एक टाइप होती है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक टाइप होती है जिन्हें हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड वो होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिनके पास चार रिंग्स होते हैं, इनमें से तीन रिंग्स जो होते हैं वो 6 कार्बन वाले होते हैं और एक रिंग जो होता है वो 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। सिमिलरली इसको देखेंगे तो ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो ये ए, बी, सी और डी, ये चार रिंग्स होते हैं। जिसके अंदर भी ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाए वो स्टेरॉइड कहलाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये भी एक स्टेरॉइड है। इसके अंदर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह होता है।
जबकि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा होगा दो तीन हार्मोन्स का नाम फर्स्ट ईयर के अंदर, एक का नाम है ईस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन और एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं या सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर जो बनते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सिमिलरली आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन या कॉर्टिसोल, ये भी वो हार्मोन्स हैं जिनके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल से बनाए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बुरा नहीं है। इवन आपका जो विटामिन डी है, जब आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो स्किन के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन डी के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये डैमेजिंग होता है। आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी के अंदर हो तो ये आर्टरीज के अंदर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज नैरो होती जाती हैं, ब्लड फ्लो रुकता जाता है। अच्छा, अगर आप कोलेस्ट्रॉल, पहली बात तो ये कोलेस्ट्रॉल आता है कहाँ से, तो एक तो ये आता है खाने में से, जो आप डाइट लेते हैं उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपकी बॉडी में आएगा। लेकिन मैंने बताया कि चूंकि ये बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मेनली सिंथेसाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल। और इन केस अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट एक्सेस हो जाए तो मैंने बताया वो कहाँ डाल दिया जाता है, वो बाइल के अंदर डाला जाता है, और बाइल जो है वो स्टोर किया जाता है गॉल बैडर के अंदर। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए बाइल के अंदर तो इससे क्या बन जाते हैं, इससे स्टोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी और बॉडी येलोइश नज़र आने लगेगी। तो लिवर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल बनाना, जिससे आगे जाकर बनते हैं हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली होम्योस्टेसिस जो है उसका एक आस्पेक्ट होता है थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। अब लिवर कैसे हेल्प करता है थर्मोरेगुलेशन में, बहुत आसान है भाई। देखिए, लिवर को कहा जाता है मेटाबॉलिक सेंटर या मेटाबॉलिक फैक्ट्री। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट रही होती हैं। अब आपको पता है हमारे पास एक तरह का रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर लिवर के अंदर बहुत सारा, आपने नोटिस किया होगा जब मशीन वर्क करती है तो वो गर्म हो जाती है, कोई फैक्ट्री अगर काम कर रही होती है तो वहाँ से गर्मी रिलीज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से लिवर जब कोई भी काम करता है तो वहाँ से हीट रिलीज होती है। अब लिवर एक बड़ा सा ऑर्गन है तो इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से जो ब्लड गुजरता है तो जब ये यहाँ से गुजरता है तो जितनी भी हीट इसे मिलती है वो ब्लड ले लेता है। जब ब्लड लिवर से आगे जाता है, जहाँ जहाँ जाता है बॉडी के अंदर, तो लिवर ब्लड जो है वो लिवर से ली हुई हीट को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, एंड दैट इज़ हाउ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने में लिवर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि लिवर से जो हीट सप्लाई होती है वो लिवर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ब्लड पूरी बॉडी में एफिशिएंटली सप्लाई करता है। तो ये एक और लिवर का फंक्शन है थर्मोरेगुलेशन, होम्योस्टैटिक फंक्शन। देन द लास्ट वन इज स्टोरेज ऑफ विटामिंस। देखिए, विटामिंस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब विटामिंस की दो टाइप्स होती हैं, एक विटामिन को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, और एक वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ दो ही हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप बहुत सारा विटामिन बी खा लें या बहुत सारा विटामिन सी खा लें, तो चूंकि ये पानी में डिजॉल्व हो सकता है ना, तो ये आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ये यूरिन में डाल के बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ये बॉडी में जमा नहीं होगा। जो लिपिड सॉल्युबल हैं इसमें आता है ए डी ई और के, ठीक है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा खा लें तो ये बॉडी में जमा होते जाएंगे। कहाँ जमा होंगे? लिपिड के अंदर। तो लिपिड आपके फैट टिश्यूज़ भी हैं, और इसके अलावा ये लिवर के अंदर भी जमा होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई विटामिन बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं तो ये बॉडी में जमा होता जाएगा, और एक वक्त आएगा ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। तो इन विटामिंस की टॉक्सिसिटी होती है, यानी एक हद से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो नुकसान पहुँचाते हैं। ये विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल हैं तो ये नुकसान नहीं पहुँचाते, ये बॉडी एलिमिनेट कर देती है, यूरिन में डाल के बाहर निकाल देती है। तो ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिंस हैं, एक तो मैंने बताया ये फैट टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, और दूसरा ये स्टोर होते हैं कहाँ पे? लिवर के अंदर। तो लिवर स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिंस को। यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है।